नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि किस दिशा में पैर रखकर सोने से घर में धन दौलत बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोना हम सभी मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। सोने से हमें अगले दिन के कार्य के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है, लेकिन हम में से कई लोगों को सोने की सही दिशा नहीं पता है, जिसके कारण हमारे घर में दुख कष्ट आते रहते हैं या लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सोने की सही दिशा को जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें किस दिशा में नहीं सोना चाहिए। तो हमें उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि उत्तर दिशा में सर करके सोने से हमें सर दर्द और हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, कष्ट होती हैं, हमारा सर में भारीपन रहता है। तो इसीलिए हमें उत्तर दिशा में सर कर सोने से बचना चाहिए। इसके अलावा हमें पश्चिम दिशा में भी सर कर नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पश्चिम दिशा में सर कर सोने से शरीर में बेचैनी रहती है, हमारे शरीर में खलबलाहट बनी रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस दिशा में सोना हमारे लिए लाभकारी है। तो सबसे ज़्यादा लाभकारी है दक्षिण दिशा में सर करके सोना, यानी दक्षिण दिशा में सर और उत्तर दिशा में पैर। इस दिशा में सोने से हमें बीमारी से राहत मिलती है, हमें जो भी बीमारी होती है, कष्ट होती है, वो कम होता है। और इसके साथ साथ हमारे घर में धन एवं समृद्धि बढ़ती है, हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, सुख शांति बनी रहती है। तो सोने के लिए सबसे अच्छा दिशा यही है कि आप दक्षिण दिशा में सर रखें और उत्तर दिशा में पैर रखें। अब बात करते हैं पूरब दिशा की। तो पूरब दिशा में भी सोना अच्छा होता है। पूरब दिशा में सोने से हमारा दिमाग तेज होता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ज़्यादातर बच्चों को इसी दिशा में सोना चाहिए, उससे उनका दिमाग तेज होता है। आज के इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।